हाँ थोड़ा सा बोल के देखे ना, 20 मिनट हो गए हैं इंतजार कर रहा हूँ, मेरे को और भी पार्सल बांटना है। तो भाई देख ही सकते हैं, ये सीजन में आम मिल गया है। दीदी घर आया था, बुआ घर, ठीक है, तो आम दिए हैं, 400 या 500 रुपये किलो मिला था। तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि अभी ठंडी के टाइम आम कैसा लगता है, ठीक है। क्या है सही में, एक मिनट रुको, जूम करके दिखाता हूँ, तो सच में रो रही है। ये खुशी के आंसू है या दुख का पता नहीं, खुशी का आंसू है या दुख का बताओ तो फटाक से। दुख का है भैया। ओ भैया भैया, पार्सल देता हूँ जो भी खाई गलू जाके जाता है, तो कहीं पर टेप वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, तो सभी अनबॉक्सिंग करेंगे। वो देखिए वैशाली, वैशाली सही बात है, ऑफिस वाले के सबकी घरवाली विशाल, वैशाली 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 शर्मा की मछली है, उन्हें खा गई, चलो बैठ के खा लेंगे। तो हे गाइस, कैसे आप सब, वेलकम टू मॉर्निंग ब्लॉग। फिलहाल मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और आज मेरे को दो एरिया संभालना पड़ेगा क्योंकि मेरा पार्टनर जो है आज वो छुट्टी पे रहेगा, कल भी छुट्टी पे रहेगा, ठीक है। तो आज तो बहुत ही ज्यादा पार्सल मिलने वाला है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहेगा। और हाँ दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो भाई प्लीज सपोर्ट करिए, प्यार करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके अपने फैमिली दोस्त यार सभी के पास मेरे वीडियो के लिंक को जरूर से शेयर करें, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखता हूँ कि आज की कहानी मेरी क्या होती है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है। तो भाई देख ही सकते हैं, मैं अपना बाइक तैयार कर चुका हूँ, आज भी ओवरलोड है, बहुत ही ज़्यादा पार्सल है क्योंकि मेरा भाई आज नहीं आया है, ठीक है, राजकुमार छुट्टी पे रहेगा 2 दिन। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके पार्सल बांटना, फिर मेरे को कहीं पर जाना है, ठीक है, तो मैं भी आज जल्दी में हूँ कि जितना जल्दी हो सके पार्सल बढ़ जाए, ठीक है। चलिए निकलते हैं और देखता हूँ कितना जल्दी पार्सल बढ़ जाता है, तो आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक मेरे ब्लॉग पे बने रहिएगा, ठीक है। अभी तक कोई भाई लोग गया नहीं है क्योंकि मेरे को आज बहुत जल्दी है, इसलिए मेरे को जल्दी ही निकलना है ताकि मैं जल्दी काम खत्म करके जल्दी घर जाऊँ, ठीक है। तो भाई आज का बहुत ही, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा क्योंकि पैसा जो ऑनलाइन पे किया ना वो फंस गया पैसा, तो 2-3 घंटा बाद फिर से आना पड़ेगा, हालांकि पार्सल दे दिया हूँ फिर आना पड़ेगा मेरे को। कस्टमर केयर में भी बात कर चुका हूँ, कस्टमर केयर वाले बोले हैं 24 घंटे के बाद रिफंड हो जाएगा, तो मैडम बोल रही है कि रुको 2-3 घंटा बाद आना, अभी पार्सल का हालांकि रख लिए हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला स्टॉप, आज का पोहनी तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इसका अनबॉक्सिंग करेंगे भाई, मंगवाया है मोबाइल, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है, क्योंकि मैं हमेशा अनबॉक्सिंग करके पार्सल देता हूँ जो भी हाई वैल्यू पैकेज रहता है, ठीक है, तो कहीं पर भी टेप वगैरह कुछ लगा हुआ नहीं है, तो इसका भी अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, तो भाई हमेशा अनबॉक्सिंग करके ही पार्सल देना चाहिए, क्योंकि क्या पता उसके अंदर से क्या निकल जाए, ठीक है ना, कस्टमर को कोई गलत सामान मिलेगा ना हम गलत सामान देंगे, प्रूफ रहेगा वीडियो, इसलिए बना लेता हूँ, ठीक है। चलिए चलते हैं अगला स्टॉप पे, ठीक है, आज का बहुत ही, तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, गिरना मत। चलिए दोस्तों चलिए चलते हैं, फिर चिल्लाते रहो चिल्लाते रहो, मैडम पार्सल था बाहर आइएगा, इन लोग इतना जोर से चिल्लाते हैं ना कि क्या बताऊं, घर वाले भी नहीं सुन रहे होंगे, मैडम पार्सल था बाहर आइएगा। तो भाई काफ़ी सारा पार्सल जो है उसको बांट चुका हूँ, ठीक है, और इस घर का एक पार्सल लेके आया था, मैं भैया के पास कॉल कर रहा हूँ, भैया तो कॉल उठा ही नहीं रहे, तो चिल्ला लेता हूँ हमेशा की तरह, ठीक है। भैया ओ भैया भैया ओ भैया, पार्सल क्या आया था, थोड़ा बाहर आइएगा, कोई तो सुन ही नहीं रहे हैं। भैया ओ भैया भैया
ओ भैया कोई सुनते ही नहीं। पार्सल था ये आपका जेम्स बर्बा नहीं था। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इस घर का पार्सल लेके आया था तो भैया के पास कॉल किया, भैया घर पे आज भी नहीं है तो भैया बोल रहे कि अंदर डाल दो, ठीक है उस दिन भी डाल दिया था आज भी बोल रहे हैं कि अंदर डाल दो। चलिए यहाँ का भी पार्सल दे चुका हूँ और देख ही सकते हैं काफ़ी सारा पार्सल है आज, ठीक है ख़त्म ही नहीं हो रहा है, पूरा बैग भरा हुआ है, झोला भरा हुआ है और गर्मी थोड़ा सा लग रहा था इसलिए जैकेट को उतार दिया, हालांकि दो दो चीज़ पहन के आता हूँ पता है सुबह बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगता है। चलिए चलते हैं आगे और देखता हूँ कितना टाइम तक पार्सल पड़ जाए, क्योंकि मेरे को बहुत ही जल्दी है पार्सल बांट के घर जाने की, ठीक है क्योंकि मैं कहीं पर जाने वाला हूँ। हाँ थोड़ा सा बोल के देखे ना, 20 मिनट हो गया है इंतजार करो, मेरे को और भी पार्सल बांटना है। हाँ मेरे को भी लेट हो रहा है और भी पार्सल बांटना है। फ्रिज के ऊपर देखिएगा मोबाइल होगा, आधा घंटा हो गया ना मेरे को और भी पार्सल बांटना है, लेट हो रहा है इसलिए। तो भाई सुबह आया था इसी घर में पार्सल देने के लिए और आज का बहुनी जो ख़राब हुआ था तो फिर से आ गया था पैसा लेने के लिए और पैसा मिल गया है और आंटी का पैसा कट गया था वो दो तीन दिन के अंदर आ जाएगा, ठीक है अब सीधा चलता हूँ ऑफिस, ऑफिस में एक पार्सल रखा हुआ है उसको भी डिलीवर करूँगा फिर आज का मेरा काम पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी ऑफिस आ गया था, पूरा काम आज का मेरा खत्म हो चुका है और एक कस्टमर जो था ना वो आधा घंटा तक इंतजार करवाया, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गया था उस टाइम, अगर उतना टाइम अगर इंतजार नहीं करवाते तो मेरा दो चार पार्सल और जल्दी बढ़ जाता और जल्दी ऑफिस आ जाता, ठीक है थोड़ा सा मुँह हाथ धो लेता हूँ क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है चेहरा। चलिए दोस्तों जल्दी से पैसा जमा करता हूँ उसके बाद जाऊँगा सीधा घर, ठीक है फिर जाऊँगा कहीं पे जाने वाला। बहुत शर्माता है ना, हाँ ये बहुत शर्माता है, ये ऑफिस में सबसे लड़की जो है ना यही है, विशाल नाम है लेकिन इसके घर में इसका नाम है वैशाली है कि नहीं, बहुत शर्माता है हमेशा शर्माएगा वो। देखिए वैशाली वैशाली सही बात है, ऑफिस वाले के सबके घर वाली विशाल वैशाली 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 नाम है, शर्मा रहा है बहुत। तो चलिए दोस्तों आज का काम मेरा खत्म हो चुका है, लास्ट पार्सल बचा हुआ था इसको दूंगा तो आज का काम मेरा खत्म हो जाएगा, ठीक है चलिए चलते हैं घुमा के लाता हूँ आपको वही संकट मुझे मार। तो भाई अपने लिए खाना निकाल लिया हूँ, ठीक है आज बनाया है शिमला मिर्च आलू की भुजिया और टमाटर डाल के, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में और क्योंकि घर में फिलहाल कोई नहीं है मैं हूँ और बिल्ली है, बिल्ली को भी थोड़ा सा खाना दे देता हूँ ये भी खा लेगी, ठीक है और मैंने हाथ धो लिया हूँ, खा के बताता हूँ कैसा टेस्ट है, खा के बताता हूँ। सो पहले मिक्स कर लेता हूँ चावल के साथ, अच्छा ही है। तो भाई देख ही सकते हैं ये सीजन में आम मिल गया है, दीदी घर आया था बुआ घर, ठीक है तो आम दिए हैं 400 या 500 रुपए किलो मिला था, तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ कि अभी ठंडी के टाइम आम कैसा लगता है, ठीक है जबरदस्त टेस्ट एक नंबर। भाई सुबह से जो बोल रहा था ना कहीं जाने वाला हूँ कहीं जाने वाला हूँ तो फिलहाल आ गया है, पड़ोसों में शादी है, ठीक है मोनू भी जा रही है फिर छोटा बच्चा है वो भी जा रहा है, ठीक है गाना गाओ गाओ छोटा बच्चा तुम भी गाना गाओ, चलो गाड़ी आ रहा है ना किनारे किनारे चलना, चलिए चलिए दोस्तों पड़ोसी में है शादी, ठीक है तो वहीं पे जा रहे हैं फिलहाल, मम्मी पापा हमारे पूरे फैमिली आने वाले हैं, पैदल पैदल जा रहे हैं क्योंकि पास में है घर के पास है। चलो छोटा छोटी बच्ची कि उतना किनारे नहीं गिर जाओगे, इधर आओ हाथ पकड़ो मेरा, चलो छोटा बच्चा हाथ पकड़ो तुम लोग दोनों तो भाई पहुँच गए हैं पार्टी में, ठीक है कैसा लग रहा है मनु पहुँच गए, अच्छा
देख ही सकते हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा भीड़ होने वाला है धीरे धीरे। गांव का पार्टी है ठीक है, और यहां पे खाना वगैरह मिलने वाला है, तैयारी चल रहा है। और यहां सलाद है, सलाद दिखाता हूँ। आ जाओ, मैं सलाद देखेंगे। ये देख सलाद कितना सारा है। कुछ चाहिए? कुछ चाहिए? क्या चाहिए? क्या गाजर चाहिए? नींबू से क्या करेगी? आ इधर। दोस्तों देख ही सकते हैं खाना पीना स्टार्ट हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ लग चुका है। और तो भीड़ घट जाएगा, उसके बाद ही जाऊंगा खाना खाने के लिए, खाना लेने के लिए। और प्रिया और प्रियांश अपने अपने लिए सलाद वगैरह ले लिए हैं। जाओ खाना लेने जाओ, भीड़ में जाओ, जाओगे जाओगे। और से भीड़ घट जाएगा, उसके बाद ही जाऊंगा, क्योंकि मैं इसीलिए रोक के रखा हूँ, क्योंकि इतना भीड़ में जाके कोई मतलब नहीं। 10-15 मिनट के अंदर पूरा भीड़ घट जाएगा, उसके बाद अच्छे से जाऊंगा ठीक है। फिर मैं भी ले लूँगा, खाना भी खाना है ना, सलाद मत खाना ज़्यादा ठीक है। तो भाई देख ही सकते हैं मैं प्लेट लेके खड़ा हूँ और लाइन बहुत ही ज़्यादा लग चुका है। अभी मैं लाइन में लगने वाला नहीं हूँ फिलहाल, क्योंकि इतना बड़ा लाइन लग चुका है खाना खाने के लिए, क्या ही बताऊँ। और सर भीड़ घट जाएगा, उसके बाद मैं लग जाऊंगा, आराम से ले लूँगा ठीक है। फिलहाल सलाद का प्लेट ले चुका हूँ, सलाद एक एक टुकड़ा। भाई लंबा सफ़र तय करने के बाद देख ही सकते हैं मैं अपना प्लेट लेके आ गया हूँ। दो पीस मछली है, उन्हें खा गई, चलो बैठ के खा लें। हाँ दो से बिक्रे खाओगे, इसे भी खा लो। देख सकते हैं दो पीस ले लिया मछली ठीक है। पकड़ तो क्या बेटा, इसमें कुछ आगे। तो फिलहाल दोस्तों मुनु जा रही है फोटो खिंचवाने के लिए दूल्हा दुल्हन के साथ, आराम से जाना ठीक है। जाओ 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 जाओ, खींच देता हूँ इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। आ जाओ मुनु, मुनु प्रियल आ जाओ, आ जाओ। हो गया ना, हो गया ना, चलो उतरो। उनको बहुत फोटो खिंचाने का मन करता है ना। वो जो बहू है ना वो रो रही है। का है? सही में एक मिनट रुको, चूम करके दिखा दूं, ये तो सच में रो रही है। ये खुशी के आंसू है या दुख का पता नहीं। खुशी का आंसू है या दुख का बताओ तो फटाक से। दुख का, दुख का है। भाई अभी जा रहे हैं घर, काफ़ी रात हो चुका है और ठंडी भी बहुत ज़्यादा है ठीक है। चलते हैं घर, और आज का वीडियो का एंडिंग यहीं पे करता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ ठीक है।